हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल इंडियन बेटी निधि। आज हम बनाएंगे पपाया शेक, पपीते का शेक। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पपाया को कट करके ले लिया है, पपीता को कट करके ले लिया है। मैं एक लोगों के लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स। इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ले लीजिए। इसके बाद आप इसमें शुगर फ्री हनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये शुगर डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा फ्रूट्स होता है। मैं यहाँ शक्कर यूज़ कर रही हूँ। आप शुगर फ्री वाले हों तो शुगर फ्री टैबलेट या पाउडर यूज़ कर सकते हैं, हनी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मैं एक लोगों के लिए बना रही हूँ, उसी हिसाब से मिल्क ऐड कर रही हूँ। एक कप मिल्क ऐड किया है मैंने। ये देखिए इसे फिर से मैं पीस लिया है। हम एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर देंगे। कंप्लीट है ये हमारा पपाया शेक। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ईजी, बहुत हेल्दी शेक है ये, ज़रूर बनाइए। ये देखिए तैयार हो गया है। अब आप इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो ऐड कर लीजिए। जो पपीता नहीं खाते हैं, पपाया नहीं पसंद करते हैं, वो भी ये शेक पसंद करेंगे। एक बार फ्रेंड्स ज़रूर बनाइए और बहुत हेल्दी होता है ये। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।